ऐसे होंगे। लास्ट मैंने अपनी वीडियो में आप लोग को सम एग्जांपल ऑफ एसिड और बेस पेयर करवाए थे, तो आज मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ स्केल ऑफ एसिडिटी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रेन ऑफ एसिड इज टाइपिकली मेजर by their ability of dissociate in water and form H proton ion. The scale of acidity is commonly expressed using the pH scale, which ranges from 0 to 14 with. यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 0 से 14 तक। सबसे पहली हमारी रेंज है पीएच की। नंबर वन, पीएच 0 से 1 तक, तो ये हमारे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कंप्लीटली डिसोसिएटेड, सेकेंड है हमारे पास पीएच 2 से 3 तक, तो ये हमारे होते हैं वीक एसिड। ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, और 4 से लेके पीएच जो है हमारी 4 to 5 जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। slightly dissociated फिर हमारे 6 से जो 7 होते हैं पीएच वाले, 6 to 7 वो न्यूट्रल की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। नेदर एसिड, एसिडिक और बेसिक। फिर इसके बाद जो 7 से ऊपर होते हैं पीएच 8 से 9 तक, वो हमारे वीक बेस होते हैं। स्लाइटली एसोसिएटेड और जो 10 to 12 होते हैं जिनकी पीएच होती है वो वीक बेस। पार्शियली डिसोसिएटेड और पीएच 13 to 14 वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस।
कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है। तो ये था हमारा स्केल ऑफ एसिडिटी जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन ऑफ एसिड। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।